दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि सृष्टि के आरंभ में ज्ञान कहां से आया था, क्या है वैज्ञानिक कारण। ये प्रश्न सोचने पर मजबूर करता है कि सृष्टि के आरंभ में ज्ञान कहां से आया था और कहां संचित रहता है। ज्ञान और आत्मा का गहरा संबंध है। जब प्रलय काल आता है तो कुछ महान लोगों की आत्मा ऐसी होती है जिनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तथा उनके उच्च कर्म होते हैं। वे आत्मा को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर पुनः सृष्टि के आरंभ में जन्म लेते हैं तथा जो ज्ञान अंतःकरण में संचित होता है वही ज्ञान पुनः जागृत हो जाता है। इसको आप वैज्ञानिक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे बिजली के तारों में बिजली दौड़ रही होती है और उसमें बहुत ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा से नाना प्रकार के उपकरणों के माध्यम से ज्ञान की बातें होती रहती है। अगर बिजली चली जाए तो ये उपकरण बंद होने के कारण ज्ञान बंद हो जाता है और फिर बिजली आ जाए तो पुनः ज्ञान की बातें चालू हो जाती है। इसी प्रकार आत्मा नाम की बिजली ही हमारे शरीर रूपी उपकरण को चलाती है। जब आत्मा शरीर से चली जाती है तो शरीर तो नष्ट हो जाता है पर ज्ञान नष्ट नहीं होता है। फिर ज्ञान आत्मा रूपी बिजली की पुनः आने की प्रतीक्षा करता है। जब आत्मा पुनः आ जाती है तो ज्ञान भी आ जाता है। इसलिए ज्ञान और आत्मा का गहरा संबंध है। ज्ञान आत्मा में वास करता है और आत्मा शरीर में वास करती है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा परमात्मा की प्रकृति में वास करती है। इसलिए शरीर की उत्पत्ति के साथ ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान ही जन्म जन्म का साथी है। इसी तरह की जानकारी हम आगे अगले एपिसोड में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।